हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा, आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपको देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि मुंह खोल के सोना। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे मुंह खोल कर सोते हैं। क्या मुंह खोलकर सोना सही है? इसके पीछे के क्या कारण होते हैं? क्या ये बच्चे को किसी तरीके से नुकसानदायक हो सकता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ये ही सारी जानकारी लेकर आई हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे, बहुत ही कारगर रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बच्चों का मुंह खोलकर सोना वैसे तो बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे मुंह खोलकर सोते ही हैं। लेकिन बहुत सारे कारणों से ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे कारणों के कारण ये बच्चों के लिए समस्या का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं कि कौन से ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चे मुंह खोलकर सोते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि नाक के रास्ते में जो बलगम का जमाव हो जाता है। देखिए, सर्दी के मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण बच्चों के छाती पर बलगम जम जाता है, नाक में बलगम जम जाता है, जिसके कारण बच्चे सांस नहीं ले पाते हैं और बच्चे मुंह खोलकर सोते हैं। ये तो सबसे कॉमन कारण हुआ दोस्तों। अब बात करते हैं इसके कुछ और कारण की। एक होता है दोस्तों, नाक में किसी तरह की एलर्जी होना। अगर बच्चे की नाक में किसी तरह की एलर्जी है जो बच्चे को सांस लेने में परेशानी क्रिएट कर रही है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि बच्चे मुंह खोलकर सोने लगते हैं। एक और रीजन मैं इसका बताती हूँ दोस्तों, स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है कि इसमें होता है कि बच्चे के जो नाक के छिद्र होते हैं वो बच्चे के सोते समय संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चे को सांस लेने में परेशानी होने लगती है और बच्चा मुंह खोलकर सांस लेने लगता है। कभी कभी दोस्तों, बढ़े हुए एडेनॉइड्स की वजह से भी बच्चे को मुंह खोलकर सांस लेना पड़ता है, क्योंकि टॉन्सिल्स और एडेनॉइड्स का जो काम होता है वो होता है मुंह और नाक के थ्रू आने वाले कीटाणुओं से लड़ना। अगर इन्हीं में सूजन आ जाती है, किसी तरह की कोई संक्रमण हो जाता है, तो बच्चे सांस नाक से नहीं ले पाते हैं, उनको इन्फेक्टेड हो जाता है ये एरिया, तो वो बच्चे मुंह खोलकर सांस लेने लगते हैं। एक होता है दोस्तों, कुछ बच्चों के साथ होता है प्रसव से पहले, प्रसव के बाद, और हो सकता है किसी भी एज में ऐसा हो कि बच्चे के दोनों के जो नाक के छिद्र होते हैं दोनों का साइज अलग अलग हो। ऐसा होने पर भी बच्चे को सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है और बच्चा मुंह खोलकर सांस लेने लगता है। देखिए दोस्तों, कुछ तो ऐसे कारण है जिनका अभी मैं उपाय बताऊंगी, वो आप कर सकते हैं नॉर्मली चीजों को थोड़ा सा ख्याल रखते हुए। और कुछ इसकी जो एडेनॉइड्स में अगर सूजन है, संक्रमित हो गया है, या बच्चे के नाक के जो छिद्र है उसमें कोई एलर्जी है, या नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, या ऐसे कोई भी अगर रीजन है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर से ही संपर्क करना होगा। कभी कभी हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो उनके लिए भी हमें वीडियो बनाना पड़ता है, कि अगर आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व कर पाए। तो ये तो दोस्तों हुए किन किन चीजों की वजह से आपका बच्चा मुंह खोलकर सोता है। इसके इफेक्ट आपके बच्चे पर कैसे होते हैं? देखिए, अगर आपका बच्चा मुंह खोलकर सोता है तो बच्चे के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, थोड़ा सा वो बैलेंस नहीं रहता है। मुंह खोलकर सोने से बच्चे के मानसिक डेवलपमेंट पर भी फर्क पड़ता है। मुंह खोलकर सोने से बच्चे को अस्थमा जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। मुंह खोलकर सोने से दोस्तों बच्चे के टीथ खराब हो जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं, बच्चे का मुंह और होंठ सूख जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सूखापन आ जाता है। तो ये सब चीजें बच्चा अगर मुंह खोलकर सोता है तो आपको देखने को मिल सकती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ मैं आपको थोड़े से उपाय बता दूंगी या थोड़ी सी हम चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जिससे आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है तो दोस्तों, बच्चे को हॉट बाथ दें। बच्चे को गर्म पानी में सोने से पहले नहलाएं, इससे बच्चे के शरीर में बहुत सारे जो परेशानियां हैं वो ठीक होंगी। जैसे कि अगर बच्चे को बलगम जम गया है तो वो बाहर निकल जाएगा, या फिर वो थोड़ा सा पिघल जाता है बलगम, अगर उस पर आप विक्स वगैरह लगा देते हैं तो बच्चे को सांस लेने में काफी आराम मिलता है। दूसरा है दोस्तों, आप ह्यूमिडिटी फायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भाप छोड़ने वाला मशीन होती है जो बच्चे की सांस को बैलेंस करने के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि ये रूम में नमी भी बनाए रखती है।
जिससे बच्चे को सूखापन नहीं होता है, लेवल एयर फ्रेश करते, बहुत सारे इसके काम होते हैं दोस्तों, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है दोस्तों, आप बच्चे की नाक में नोजल ड्रॉप डाल सकते हैं। नोजल ड्रॉप डालने से बच्चे के नाक में जितनी भी परेशानियां होती हैं दोस्तों काफी हद तक ठीक होंगे। अगर बच्चे को बलगम की वजह से ऐसा हो रहा है, नाक बंद है और कोई किसी तरह का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन या सूजन है, तो वो भी नोजल ड्रॉप से दोस्तों ठीक हो जाती हैं। तो आप बच्चे की नाक में नोजल ड्रॉप भी डाल सकते हैं, जुकाम से लेकर किसी तरह के इन्फेक्शन तक को ठीक करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। बच्चे को हाइड्रेट रखें। देखिए, बच्चे को जितना ज्यादा से ज्यादा पानी देंगे, हाइड्रेट रखेंगे, बच्चे की बॉडी उतनी ही सही रहेगी और बच्चा उतना ही स्वस्थ महसूस कर पाएगा। तो दोस्तों ये चीजें आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि डॉक्टर से कब संपर्क करें। देखिए दोस्तों, बलगम है या ऐसी छोटी प्रॉब्लम है तो उसमें आप नोजल ड्रॉप, हॉट बाथ देकर, विक्स वगैरह लगाकर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर एडेनॉइड्स का साइज इंक्रीज हो गया, उसमें सूजन आ गई है, नाक में किसी तरह की एलर्जी आपको दिख रही है, तब आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर इसका अच्छे से इलाज कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, काफी फायदेमंद रहे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।